नागपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान डायरिया से चौथी मौत हो गई। शहर के नागझिरी, खैराती बाजार, बैरी मैदान, शाह बाजार, नया मोहल्ला, आजाद नगर सहित आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों में डायरिया फैल चुका है। इससे अब तक चौथी मौत हुई है। डायरिया के शिकार 250 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। इसमें से ज्यादातर मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। जिला अस्पताल में अब भी 40 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। डायरिया फैलने की असल वजह दूषित पानी बताई जा रही है। डायरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल से स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि मैं अधिकारियों के संपर्क में हूं और सब पर नजर है। ये भी स्थिति अभी कंट्रोल में तो नहीं आई है, अभी भी लगातार पेशेंट आए जा रहे हैं और कुछ कुछ पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में भी आ रहे हैं। और ऐसे ही कल भी यही हुआ है कि दो केसेस बहुत सीरियस कंडीशन में आए, पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद भी उनको हम बचा नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। अल्टीमेटली ये है कि जब तक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये केसेस तो अस्पताल में बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए सबसे मेन इशू ये है कि जो वाटर सप्लाई है वो प्रॉपर हो और लोगों को अवेयरनेस सिखाई जाए। कुछ बच्चे पिछले 2-3 दिनों से जिला अस्पताल में आ रहे हैं जिनको डायरिया की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा गंदे पानी का भी बात की जा रही है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि डायरिया का कारण मुख्य क्या है। तो हम गंदे पानी पे भी एक्शन ले रहे हैं और बाकी चीज़ों पे भी एक्शन ले रहे हैं। गंदे पानी के लिए अभी हमने 5 से 6 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। 5 से 6 टीमें नगर निगम की अभी 5 टीमें फील्ड में गई हैं, जो लोकल लीडर्स हैं वहाँ पर और लोकल जनप्रतिनिधि भी हैं और लोकल अपने शिकायत करता है, उनके घर घर जाके जो एरिया है उसको मैप कर रहे हैं। कहीं पर भी लीकेज का पता चलता है तो लीकेज को प्लग कर रहे हैं। कभी कभी हाउस सर्विस कनेक्शन जो है वो छूट जाते हैं ज़मीन पर, और उसकी वजह से जब पानी का सप्लाई ख़त्म होता है तो गंदा पानी सकेंड हो जाता है जो पानी के नेक्स्ट सप्लाई में शुरुआत के 10 मिनट में आता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हाउस सर्विस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करके ऊपर करेंगे। इसके लिए एक JMC का भी टीम मेंबर हमने हर टीम में रखा हुआ है। रेगुलर पानी का जो हमारे इसके पहले की जो सप्लाई थी उससे हम जलावर्धन की तरफ अब हम शिफ्ट कर रहे हैं। उस समय हमारे पास 17,000 कनेक्शन थे, आज हमारे पास 50,000 से ऊपर कनेक्शन। इसका मतलब है कि जिनके घर में पानी पहुंच रहा है उनके घर में जो कनेक्शन थे वो कनेक्शन किस प्रकार के थे उसको आप स्वयं समझते हैं। तो जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को सुचारू करते समय, शिफ्टिंग करते समय भी जो कुछ कमियां हैं, जो गैप्स हैं, उनका सुधार